हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, प्रदेश के 6,000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं, कैसे होगी पढ़ाई? पूरी न्यूज हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। 2 बार हुए ऑनलाइन स्थानांतरण के कारण शिक्षकों ने मनचाही जगहों पर तबादले करा लिए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली हो गए हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की भरमार हो गई है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की है। इसमें यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश में 74,000 सरकारी स्कूलों में से 6,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है दोस्तों। इसलिए लगातार पद वृद्धि की मांग की जा रही है दोस्तों, क्योंकि सभी का भला होगा उसमें। वहीं 10,500 स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, एक शिक्षक की ये शाला है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसलिए बन रही है क्योंकि पिछले 2 बार हुए ऑनलाइन तबादलों में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों की ओर शिक्षकों का जो है ट्रांसफर हो गया है दोस्तों। अतिशेष शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में प्रदेश के करीबन 39,000 स्कूलों में अतिशेष शिक्षक खाली बैठे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। भोपाल जिले में ही देखेंगे दोस्तों, 1,159 अतिशेष शिक्षक। तो यहाँ पर एक चीज देखें दोस्तों कि जो स्थानांतरण हुआ है उसके चलते जो गांव है उस शिक्षा नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 10,500 स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों की सूची भी शिक्षकों की मची खलबली। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो शिक्षक पोर्टल के अनुसार प्रदेश भर के स्कूलों का आंकड़ा, तो आंकड़ा भी बहुत ऐसा है दोस्तों कि काफ़ी वैकेंसी खाली हैं। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो शिक्षक विहीन स्कूल कितने हैं, भोपाल में ही 9 हैं, इंदौर में 11 हैं, ग्वालियर में 23 हैं, जबलपुर में 15, एक शिक्षकीय वाले स्कूल 41, भोपाल में, इंदौर में 45, ग्वालियर में 137, जबलपुर में 135 दोस्तों। तो यहाँ पर जो है पद वृद्धि के साथ यदि 2018 के शिक्षकों को मौका दिया जाता है तो ये भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अभी ये है कि प्रदेश के 6,000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो कैसे हो सकती है पढ़ाई। इसलिए दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में पद वृद्धि होनी चाहिए। ग्रामीणों में हमारे जो क्वालिफाइड शिक्षक हैं वो पढ़ाने को तैयार हैं, सिर्फ उन्हें ज्वाइनिंग लेटर उनका जारी होना चाहिए। अभी भी दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 2 का ज्वाइनिंग आदेश आना चाहिए, उसके लिए भी जो है मांग कर रहे हैं। और साथ में पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग हो जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। ये वीडियो सुनना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।